हम कोई मूवीज को पसंद नहीं करते, भगवा भी लगाते, हरा भी लगाते, पीला भी लगाते, काला भी लगाते, वो भी लगाते, सब लगाते। आज हुजूर के शान में गुस्ताखी होने के बावजूद उन लोगों ने पठान मूवी के आज में गुस्ताखी की और हमारे शहर के नौजवान पठान मूवी देखने में बिजी है। गुस्ताख रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताख रसूल मुर्दाबाद। खाली शाहरुख खान को क्यों शाहरुख क्या के पहने उन्होंने नहीं पहना, भगवा कपड़े की शाहरुख खान कोई तोहिन नहीं किया। शहर गुलबर्गा बंद कर कर पूरे मुल्क भर में एहतजाज का कॉल फॉर किया जाएगा। This video sponsored by North Karnataka's most awaited vintage retreat resort is now open at Bidar. Villas and cottages, swimming pool and cocktail lounge, indoor and outdoor games, boat dining, sunset viewpoint, various selfie points and much more. Madhya Pradesh ki sarzameen Bhopal ya sare Madhya Pradesh mein ye jo hai na Pathan movie jisme ek heroine jo लिबास पहनती है, हमको कोई लिबास या कपड़ा कई मूवीज इस्लाम में हराम है। हम कोई मूवीज़ को पसंद नहीं करते, भगवा भी लगाते, हरा भी लगाते, पीला भी लगाते, काला भी लगाते, वो भी लगाते, सब लगाते। इसे क्या है तेरा से? बहुत सारे मूवीज़ हैं जिसमें भगवा कपड़े में जो है ना बिकनीज बोलते ना भगवा में डांस करे हुए, उस पर एतराज नहीं, इस पर क्यों एतराज? करने वाला प्रोड्यूसर हिंदू है, हीरोइन हिंदू है, सारी टीम हिंदू है, खाली और शाहरुख खान को क्यों शाहरुख क्या के पहने उन्होंने नहीं पहना, भगवा कपड़े की शाहरुख खान कोई तोहिन नहीं किया, हीरोइन भगवा कपड़ा पहनी, बिकनी पहनी या लंगूट पहनी जो भी पहनी, उसको तुम टारगेट करो, उसको भी टारगेट करने की तुम्हारा राइट नहीं। कौन सा कपड़ा पहनना उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, हर हिंदुस्तान की मर्जी है। पठान है रखे कौन नाम? हम रखे डायरेक्टर है क्या, प्रोड्यूसर है क्या? फिल्म किसकी है? शाहरुख खान की नहीं है, प्रोड्यूसर की होती। पैसा कौन लगाता है? प्रोड्यूसर लगाता है। नचाता है कौन? प्रोड्यूसर नचाता है। करता है कौन? प्रोड्यूसर करता है। दूसरों का क्या है? वो सेटअप में मेकअप में करते हैं ना, वो सब लोग फिर इसमें मुजरिम हो जाते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, हम हुजूर के शान में गुस्ताखी जो है ना बर्दाश्त नहीं करते, कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। सरकार ऐसे चीज़ों पर जो है ना सीरियस नोटिस ले, अभी चार लोगों को जो अरेस्ट करे उन पर जो है सख्त कार्रवाई करे और बाकी तमाम लोगों को भी अरेस्ट करे, ये हमारा डिमांड है। गुलबर्गा शहर के मुसलमानों का ही डिमांड है। आज सरजमीन गुलबर्गा से जिस तरह से पिछले दिन जो सरजमीन इंदौर में पठान मूवी के आड़ में जिन सरपसंदों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, गुस्ताखाने नारे लगाए, उसके खिलाफ एक एहतजाज दर्ज करेंगे बोलकर हम डीसी ऑफिस का कॉल फॉर किया था मेरे छोटे भाई तबरेज हुसैनी साहब ने, लेकिन पुलिस की अपील पर हम यहाँ ACP साहब को स्टेशन बाजार आकर दहशतगर्दों के खिलाफ एक कंप्लेंट की है, एक मेमोरेंडम दिया है और हमने पुलिस से मुतालिबा किया है कि उन तमाम दहशतगर्दों को जितने भी वहाँ पर थे उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जिन लोगों ने दहशतगर्दाना नारे वहाँ पर लगाए हैं उनके खिलाफ़ UAPA बुक किया जाए और इसकी कार्रवाई के लिए जो 10-12 लोग जो अपने इंसाफ के लिए निकले थे उनको जो पुलिस ने अरेस्ट किया है उनको छोड़ने की भी डिमांड हमने की है। अगर हमारा मुतालिबा जो वक्त हमने दिया है अगर हमारा मुतालिबा पूरा नहीं होता, शहर गुलबर्गा का नौजवान ये ऐलान करता है आज मीडिया के ज़रिए, शहर गुलबर्गा बंद कर पूरे मुल्क भर में एहतजाज का कॉल फॉर किया जाएगा। मैं पुलिस से डिमांड करता हूँ कि जल्द से जल्द इन फिरकापरस्त ताकतों की जो सरपसंद जो लोग हैं इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये जो मामला है हमारे मुसलमानों में नौजवान भटकने की वजह से, ईमान ताज़ा नहीं रहने की वजह से ये हरकतें होते हैं। हमारे आलिमों का भी काम है भटके हुए मुसलमानों को, नौजवानों को, उनको ईमान से ताज़ा किया जाए, बार बार नबी के शान में जो जलसे रखा जाए। अगर ऐसे जलसे होते रहेंगे तो शहर में बहुत सारे जो नौजवान कौम जो बिखरी हुई है, जो दीन से दूर है, वो दीन की तरफ आएगी और ऐसे तमाम चीज़ों पर जो है अमल भी होगा। और जिस तरह से आज हुजूर के शान में गुस्ताखी होने के बावजूद उन लोगों ने पठान मूवी के आड़ में गुस्ताखी की और हमारे शहर के नौजवान पठान मूवी देखने में बिजी हैं, तो ये हमारे नौजवानों में दीन की कमी रहने की वजह से जो है ऐसे चीज़ें आते हैं। मैं तमाम शहर के नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ, आलिम दीन से भी गुजारिश करता हूँ, तमाम शहर के जो हमारे मुस्लिम
अपने आप को जो नुमाइंदे बोलते हैं उनसे भी अपील करता हूं कि शहर के नौजवान किस तरह से दिन से दूर हो रहे हैं उसके ऊपर गौरव फिक्र किया जाए और ऐसे जलसे रखकर दिनी जलसे रखकर नौजवानों को जो है दिनी इजाफा दिलाने काम करें। इस बयान के बाद जैसे ही इंदौर में ये वाकया हुआ उसके बाद से मुसलमानों में गुस्सा है, मुसलमानों में एक बेचैनी है कि कब कब इसके ऊपर FIR होगा और कब कब इसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन मैं इंदौर की पुलिस से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी लोग वहाँ पर थे मौजूद थे, जो 50 से 60 लोग वहाँ पर मौजूद थे जिसमें से 4 लोगों को सिर्फ अरेस्ट किया गया, उसमें से एक को कल रात में अरेस्ट किया गया। मैं उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि 50 से 60 लोग क्या वो मासूम थे? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही खाली UAPA और NSA लगाया जाएगा? मुसलमान सिर्फ तुम्हारे खाली वोटों के लिए काम आएगा और बाकी जब मुसलमानों के हक़ के लिए बात आएगी, मुसलमानों के नबी के लिए बात आएगी तो कोई आगे नहीं आएगा? हमने कल प्रोटेस्ट के लिए कॉल किया था लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चंद लोग आकर हमारे साथ जुड़े हैं जो ईमान वाले हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो अपना मुजाहरा करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं उन लीडरों से भी कहूँगा जो अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, जो मुसलमानों का दर्द रखने वाले कहते हैं, जो सिर्फ स्पीच में आकर शुरू में अस्सलाम वालेकुम कहकर मुसलमानों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि तुमको भी शर्म आनी चाहिए कि जब हमारे मुसलमानों के एक नबी के लिए जो रहमतुलिल आलमीन है उनके लिए जब कोई RSS के, कोई बजरंग दल के, ये दहशतगर्द लोग जब उनकी गुस्ताखी कर रहे हैं तो तुम लोग भी मुँह खामोश बैठ कर, मुँह बंद कर खामोश घर में बैठे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, और जब तुम हमारी गलियों में जब वोट मांगने के लिए आओगे, जब हमसे जब साथ मांगने के लिए आओगे, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखो कि तुम कभी मुसलमानों की तरफ, कभी मुसलमानों को तुम बुरी नज़र से नहीं देखोगे। और मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये आखिरी बात कहकर मेरी बात ख़त्म करूँगा कि अगर गुलबर्गा की पुलिस, अगर गुलबर्गा की डिपार्टमेंट, अगर इन लोगों के ऊपर UAPA नहीं लगाया जाएगा, हमारा ये डिमांड है कि उनके ऊपर UAPA लगाया जाए, NSA लगाया जाए। अगर उनके ऊपर ये एक्ट नहीं लगाया जाएगा, उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो आप याद रखिए, ये मीडिया के ज़रिए हम बता रहे हैं तमाम गुलबर्गा के लोगों को, तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, कि गुलबर्गा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा हम एहतजाज करेंगे कि NRC हो या NPR हो, उससे भी बड़ा हम एहतजाज करेंगे। बस इतना ही कहूँगा।